अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की बेसिकली वीडियो ना यार, जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि ये मैंने अपनी बाइक करनी थी सेल और उसका सारा कुछ मैंने उतारा था, लेकिन हमारा हो गया प्लान चेंज। एक तो दो रीज़न थी, एक तो रीज़न ये थे कि यार, एक तो हमारी हमने अपना स्टार्ट इस बाइक से लिया था तो इसके साथ थोड़ी सी मेमोरीज जुड़ी थी हमारी। दूसरा ये था कि यार, हमें इसका रेट थोड़ा सा सही नहीं मिल रहा था, तो मुझे एक 60 की पड़ी थी और अभी 20-30 हज़ार मुझे लॉस में जा रही थी, तो मैंने कहा यार इसको रख लेते हैं। प्लान तो मेरा 125 का बना था, क्योंकि हमारे जो मार्केट में लोकल बाइक्स हैं, एक तो वो तो महंगी बहुत है, जो उसके कंपेटिटर हैं 125 की, जैसे YBR होगी, सुजुकी 150 होगी, GD 110 होगी, सारी 3 लाख प्लस बाइक्स हैं। तो 125 मेरी ऑप्शन में आई थी, बजट में भी आई थी, और लुक वाइज में भी जो 125 है वो टॉप 1 में जाता है और लोगों को पसंद भी आता है, मुझे खुद भी बहुत पसंद था। लेकिन ये 2.5 लाख रुपये मुझे 125 पर लगाने का समझ नहीं आया, तो मैंने थोड़े से पैसे और डाले और मैंने ये ले ली। मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें। तो मैंने कहा 2.5 लाख रुपए या 125 भी खर्च करना था, तो मैंने 38 लाख रुपए और डाल दिया, तो मैंने ये ले ली। अब आप लोग बताएं कि ये किस तरह की। अभी इसके साइड मिरर के कवर हम लेने जा रहे हैं, ये थोड़े से कार्बन फाइबर थे, तो मैंने जब क्रैप उतारा तो ये थोड़ा सा ना इस पर से रंग उतर गया, तो हमने इसको पेंट होने के लिए दिया था, अभी हम इसको लेके आते हैं। और बाकी जो गाड़ी का ओवरऑल व्यू और लुक है वो मैं आपको आके दिखाता हूँ। बाकी गाड़ी आपने देख के माशाल्लाह लाजमी बोलना, गाड़ी देखे कितनी माशाल्लाह साफ़ है। ये बाइक जो है ना 70, इसका अपना ही मज़ा है और स्मूथनेस और फ्यूल एवरेज वगैरह ना। बाकी 125 भी इंशाल्लाह ताला लेंगे, वो भी मेरा फेवरेट वैसे बाइक है, लेकिन उसका अभी 1 से 2 मंथ डिले हो गया है। लेना ज़रूर है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले हो गया है। बाकी आप लोग सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला हम अपनी बाइक्स को अपग्रेड करते रहेंगे। अभी जो मेरे पास पैसे खत्म हो गए, क्योंकि वो मेरे पास जितने मैंने सेव किए हुए थे उसकी मैंने गाड़ी ले ली। अब थोड़ा सा और जमा करते हैं, 1-2 मंथ तो लगेंगे और उसके बाद फिर हम 125 लेंगे। सीधा शॉप पे आए हैं और यहाँ पे गाड़ी नज़र आई है, आप लोग गैस करके बताएं, मुझे तो इसका नाम नहीं पता लेकिन गाड़ी बड़ी प्यारी है। बीम्स का इसमें इंजन है और ये रियर व्हील ड्राइव लग रही है मुझे, ये इसकी जो फ्यूल की टैंकी है ये पड़ी हुई है। अच्छी गाड़ी है। सीधा साइड मिरर जो है वो हम पेंट करा के ले आए थे और पेंट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। थोड़ा सा ज़रा इसको केयर से निकालना क्योंकि पेंट अभी नरम है, और ये देखें बॉडी के साथ बिल्कुल मैच किया है, और इसकी शाइन देखें, ये वाला भी इस तरह का ही है कि पेंट अभी थोड़ा सा ज़रा ना नरम है। अभी वैसे 2-3 घंटे तो हो गए हैं इसको पेंट हुए, लेकिन अभी थोड़ा सा ज़रा गीला है, तो हम इसको थोड़ा ठहर के लगाते हैं ताकि हमारा जो किसी भी किस्म का हम दोबारा रिस्क नहीं ले सकते। बाकी यार गाड़ी का जो फ्रंट है वो आप चेक करें, मुझे जो इसका फ्रंट है ना वो सिविक एक्स से ज़्यादा पसंद है, क्योंकि थोड़ा सा एग्रेसिव लुक है इसकी ना, और बिल्कुल शाइन में है गाड़ी। ये है 2015 मॉडल है और आप इसकी शाइन देखें, और सारी ओरिजिनल पेंट में, सिर्फ इसका अगला बम्पर पेंट है, बाकी कोई भी चीज़ इसमें टचिंग नहीं है, और स्क्रैच लेस गाड़ी है बिल्कुल। मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, ज़रा बैलून साइड पर कर लेते हैं। ये चेक करें आप, यानी इससे नई रिबर्थ आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकती। इसका इंटीरियर चेक करें आप, बिल्कुल स्पॉटलेस इंटीरियर है, कोई चीज फेडिंग नहीं है गाड़ी की, और कोई गंद शंद नहीं है गाड़ी की, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन गाड़ी है। ये थी आज की छोटी सी वीडियो, मैंने सिर्फ आपको अपडेट देनी थी कि मैंने क्या चीज़ ले ली है ना। अक्सर मुझे काफ़ी लोगों के ना कमेंट्स आ रहे थे, यूट्यूब पे भी आ रहे थे, इंस्टा पे मैसेज आ रहे थे, टिकटॉक पे मैसेज आ रहे थे कि यार आपने क्या लिया क्या नहीं, लोगों को ना क्यूरियोसिटी हो रही थी। तो यार मैंने सिर्फ उनको बताना था कि यार मैंने अपनी बाइक नहीं बेची और बाइक की जगह मैंने गाड़ी ले ली है। इंशाल्लाह ताला 125 भी हम लेंगे, नो डाउट कि 125 अच्छी बाइक है, मेरी खुद भी फेवरेट बाइक है, और उसके ऊपर आगे हम ट्रैवलिंग व्लॉग करेंगे। तो वो थोड़ा सा अभी डिले है और उसकी कुछ रीज़न है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ हम इंशाल्लाह 125 ले लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे यार, इसका पूरा एक वॉक राउंड देंगे, इसके प्रोस एंड कॉन्स, इसमें क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, और वैल्यू टू मनी है या नहीं, या लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो सारा इसके बारे में बताएंगे। बस आपने यार सपोर्ट करना है और अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।